हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ रूबी। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सजीव एवं उनके लक्षण। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सजीव एवं उनके लक्षण, सजीवों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं को हम सजीव या निर्जीव दो भागों में बाँट सकते हैं। ठीक है बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाती है। तो जीव विज्ञान किसको बोलते हैं बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, जीव विज्ञान। और सजीव वस्तुएं क्या होती हैं बच्चों, सजीव वस्तुएं वो होती हैं जो सांस लेती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, वृद्धि होती है, ठीक है, भोजन करती हैं, जीवित रहने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो सब वस्तुएं क्या कहलाती हैं, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सब किस में आ जाएंगे, सजीव वस्तु में। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, जंतु और पेड़ पौधे दोनों ही सजीव हैं, इनमें जीवन उपयोगी सभी क्रियाएं होती हैं। सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं को इनके गुणों के आधार पर पहचाना जाता है, क्योंकि सजीव क्रिया करते हैं तथा निर्जीव एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। तो बच्चों, सजीव और निर्जीवों को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, उनकी क्रियाओं के द्वारा। जैसे कि सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और निर्जीव एक ही स्थान पर रहते हैं, वो एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है, अपने घर के आसपास पाई जाने वाली कुछ सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के नाम निम्न तालिका में लिखिए। तो हमको एक तालिका बनाकर दी हुई है बच्चों, जो हमारे घर के आसपास जो भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनके हमें नाम लिखना है। तो इसमें सजीव में हमने सबसे पहले लिखा हुआ है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे बच्चों आप सभी ने देखे होंगे, हमारे आसपास या फिर हमारे घरों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सजीव। दूसरे नंबर पर लिखा है मनुष्य, व्यक्ति, ये भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हमने गाय, गाय भी सजीव होती है। ठीक है, फिर लास्ट लिखा हुआ है फोर्थ नंबर पर बकरी। ठीक है, तो ये भी क्या होती है, सजीव होती है। इसके अलावा आप और भी कुछ भी जो आपके आसपास सजीव हो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, निर्जीव में लिखा हुआ है हमने मकान, हमारा जो घर होता है, मकान जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, निर्जीव होता है, एक स्थान पर ही स्थिर रहता है। दूसरे नंबर पर कुर्सी, ठीक है, तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है मेज, और चौथे नंबर पर लिखा हुआ है पंखा। ठीक है बच्चों, इनके अलावा भी आप जो आपके घर में हो या फिर आपके आसपास हो, वो लिख सकते हो आप निर्जीव वस्तुओं में। सजीव और निर्जीव में अंतर समझ में आया, जो भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सजीव। और जो वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होती हैं, निर्जीव होती हैं, जो एक स्थान पर ही स्थिर रहती हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है तालिका के नीचे लिखा हुआ है, सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं को पहचानने के लिए हमें कुछ लक्षणों का ज्ञान होना आवश्यक है। सजीव वस्तुओं के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो केवल सजीव वस्तुओं में ही पाए जाते हैं, निर्जीव में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इनमें निम्न लक्षण होते हैं। नंबर एक, पहले नंबर पर हेडिंग दी हुई है भोजन। ठीक है, तो जो भोजन है बच्चों, वो क्या, सिर्फ सजीव वस्तुएं ही करती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले सबसे नंबर पर भोजन। भोजन में क्या लिखा हुआ है, सभी सजीव भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ऊर्जा विभिन्न कार्यों को करने में हमारी सहायता करती है। पेड़ पौधे पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश, जल तथा वायु की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करती हैं। तो बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, सूर्य के प्रकाश, जल तथा वायु की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण वो स्वयं करते हैं। ठीक है, पत्तियों के द्वारा भोजन बनाने की है क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जिस प्रकार से जब पौधे भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, जल तथा वायु के द्वारा, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण। शाकाहारी जंतु अपना भोजन पौधों से तथा मांसाहारी जंतु अपना भोजन अन्य जीवों का शिकार करके प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारे डायग्राम में
दिख रहा है हमें बच्चों, ये हिरण है, ये क्या खा रहा है, हरी घास खा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी जो प्राणी होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से, और जो मांसाहारी होते हैं वो जीव जंतुओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि दूसरा डायग्राम में हमको शेर दिख रहा है, वो किसी जानवर को खा रहा है। ठीक है बच्चों, समझ आया, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है सभी सजीव वस्तुओं में श्वसन, सांस लेना एक प्रमुख लक्षण है। तो बच्चे जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, श्वसन या फिर सांस लेते हैं। सजीवों में श्वसन क्रिया जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, लाइफ टाइम बोल सकते हैं हम, जीवन भर यह प्रक्रिया चलती रहती है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो जीवन भी हमारा समाप्त हो जाएगा। मनुष्य तथा जीव जंतु सांस लेते समय ऑक्सीजन गैस अंदर ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं बच्चों, तो हमारे सांस के द्वारा अंदर कौन सी गैस जाती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से। ठीक है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे अंदर से कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। सभी सजीवों की श्वसन प्रक्रिया अलग अलग होती है, जैसे मनुष्य तथा कुछ जीव फेफड़ों द्वारा जल में रह सॉरी बच्चों एक बार और रिपीट करते हैं सभी सजीवों की श्वसन प्रक्रिया अलग अलग होती है, जैसे मनुष्य तथा कुछ जीव फेफड़ों द्वारा जल में रहने वाले जीव गलफड़ों द्वारा तथा कुछ अन्य जीव जैसे केंचुआ आदि अपनी त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। तो बच्चे जो मनुष्य होते हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं, अपने फेफड़ों से। ठीक है, और जो जल में जीव रहते हैं जैसे कि मछली और भी मगरमच्छ वगैरह, वो अपने श्वसन कहाँ से लेते हैं, सांस, गलफड़ों से। ठीक है, और केंचुआ सांस कहाँ से लेता है बच्चों, त्वचा से। ठीक है, अपनी स्किन से या फिर त्वचा से वो सांस लेता है। पेड़ पौधे पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म रंध्रों द्वारा श्वसन करती हैं। अभी रंध्र क्या होते हैं बच्चों, ये जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटी छोटी बारीक लाइन बनी होती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, रंध्र। ठीक है, तो जो पौधे होते हैं वो पत्तियों के रंध्रों द्वारा श्वसन लेते हैं या फिर सांस लेते हैं। इन रंध्रों को पर्ण रंध्र कहते हैं, जो उस पर जो रंध्र बने होते हैं, लाइन्स बनी होती हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, पर्ण रंध्र। ठीक है, आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर गति। ठीक है, जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं। सभी सजीव गति करते हैं, मनुष्य तथा पशु पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर, उड़कर या तैरकर जा सकते हैं। इसी को क्या होता कहते हैं बच्चों, गति करना। ठीक है, जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है, और जो पक्षी होते हैं वो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और जो जीव जंतु जल में रहते हैं वो तैरकर गति करते रहते हैं। ठीक है, पौधे भी सजीव होते हैं परंतु वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, ये एक स्थान पर स्थिर रहकर ही अपने अंगों की सहायता से गति प्रदर्शित करती हैं। जैसे सूरजमुखी का फूल सूर्य की ओर मुख किए रहता है तथा मॉर्निंग ग्लोरी के फूल की पंखुड़ियाँ सूर्य निकलने पर ही खुलती हैं। तो बच्चों जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, सजीव होते हैं, लेकिन वो मनुष्यों की तरह या फिर जीव जंतुओं की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक ही स्थान पर स्थिर रहती हैं। लेकिन ये गति किस प्रकार से करती हैं, जैसे कि आपने फूल को खिलते हुए देखा होगा, ठीक है, तो वो फूल का खिलना और मुरझाना भी क्या हो जाता है, गति करना। सूरजमुखी का फूल सूर्य के मुख्य साइड अपना मुंह करके खिलता है, और ये मॉर्निंग ग्लोरी का जो फूल होता है वो सूर्य के निकलने पर ही खिलता है। इस प्रकार से पौधे भी क्या करते हैं बच्चों, गति करते हैं। ठीक है, आगे ये डायग्राम में दिया हुआ है, ये कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। दौड़ना क्या हो गई, गति। यहाँ पर ये मछली है, मछली तैर रही है, स्विमिंग कर रही है, ये भी क्या कर रही है, गति कर रही है। और यहाँ पर एक पक्षी दिया हुआ है जो क्या कर रहा है, उड़ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गति करना। ठीक है, आगे दिया हुआ है, आपने क्या सीखा। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ लिया है
उसमें हमने क्या सीखा है उसके बारे में दिया हुआ है। पहले नंबर पर दिया हुआ है पौधे किन रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा पर्णरंध्र। ठीक है, पौधे किस रंध्र द्वारा श्वसन करते हैं, पर्णरंध्र। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है किस फूल की पंखुड़ियाँ सूर्य निकलने पर ही खुलती हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, मॉर्निंग ग्लोरी। जो मॉर्निंग ग्लोरी होता है उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो कब खिलती हैं, जब सूर्य निकलता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो इसमें फोर्थ नंबर पर दिया हुआ है प्रजनन। प्रजनन क्या होता है बच्चों, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। सभी सजीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, यह क्रिया प्रजनन कहलाती है। जैसे स्त्री शिशु को तथा गाय बछड़े को जन्म देती है। बच्चों प्रजनन क्या होता है, जब कोई स्त्री है, महिला है, उसके बच्चा होना, ठीक है, गाय को बछड़ा होना, और छोटे पौधे से बड़ा, सॉरी बच्चों, बीज से पौधे का उगना, ये क्या हो जाता है, प्रजनन। ठीक है, कुछ सजीव जैसे मुर्गी, छिपकली, मेंढक आदि अंडे देकर प्रजनन करते हैं। तो ये जो कुछ जीव होते हैं, मुर्गी, छिपकली, मेंढक, ठीक है, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं और फिर उनमें से उनके बच्चे निकलते हैं। पौधे भी प्रजनन की क्रिया प्रदर्शित करते हैं, इनमें बीज से इन्हीं के समान नए पौधे अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, तो पौधों में भी क्या होता है बच्चों, प्रजनन होता है, उसमें नए बीज से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें डायग्राम में दिया हुआ है, ये कोई स्त्री है जिसका छोटा सा बच्चा है। ठीक है, यहाँ गाय का बछड़ा दिया हुआ है, यहाँ पर जो छिपकली है उसके अंडे रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, प्रजनन होता है। आगे दिया हुआ है पाँचवें नंबर पर वृद्धि। वृद्धि किस प्रकार से करती हैं सजीव, उसके बारे में पढ़ते हैं। सभी सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं, समय के साथ साथ इनका आकार बढ़ता जाता है। जैसे शिशु बड़ा होकर वयस्क, बछड़ा बड़ा होकर बैल, तथा अंकुरित पौधा बड़ा होकर वृक्ष बन जाता है। ठीक है, तो वृद्धि किस प्रकार से करते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा दिया हुआ है हमें, वो बड़ा होकर क्या, एक बड़ा आदमी बन गया है। ठीक है, ये छोटा सा बछड़ा क्या बन गया बाद में, बैल, बड़ा वाला ऑक्स। ठीक है, और ये छोटे छोटे पौधे बड़े होकर क्या, बड़ा वृक्ष बन जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ग्रोथ करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है छठवें नंबर पर संवेदनशीलता। संवेदनशील क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, जब हमें ठंड लगती है तब हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जब हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु को छू लेता है या हाथ में कुछ चुभ जाता है तो हम दर्द का अनुभव करते हैं, इसे उद्दीपक के प्रति संवेदनशीलता कहते हैं। तो बच्चों संवेदनशीलता क्या होती है, जब जैसे कि हमें ठंड लगती है, ठीक है, जब हम ऊनी वस्त्र पहन लेते हैं, जब हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु को छू लेता है या फिर हाथ में कुछ चुभ जाता है, जैसे कि हमारे सुई लगती है तो हमको दर्द होता है। ठीक है बच्चों, यही उद्दीपन क्या कहलाता है, संवेदनशीलता कहलाता है। यह हमें शरीर में स्थित ज्ञानेंद्रियों के कारण होता है। बच्चों ये सब किसके द्वारा होता है, तो हमारे शरीर में पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे कि जीभ, त्वचा, आँख, नाक। ठीक है बच्चों, ये क्या होती हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इन्हीं के द्वारा हम सब अनुभव करते हैं। ठीक है, पौधों में विशेष ज्ञानेंद्रियां नहीं होती, फिर भी वे संवेदनशील होते हैं। कुछ पौधे जैसे छुईमुई तथा कीट बख्शी संवेदनशीलता के अच्छे उदाहरण हैं। बच्चों जो छुईमुई होती है उसकी पत्तियों को अगर हम छू लेते हैं तो वो मुरझा जाती है। ठीक है, तो वो भी क्या होती है, संवेदनशील होती है। उसकी पत्तियों को अगर हम टच करेंगे, छुएंगे, तो वो क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। ठीक है, तो पेड़ पौधों में भी क्या होती है, संवेदनशीलता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है आपने क्या सीखा, आप सॉरी बच्चों क्या आप जानते हैं, हेडिंग बनाकर दी हुई है क्या आप जानते हैं। केवल हरे पौधे ही अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो बच्चों जो हरे पौधे होते हैं ना, वो ही अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। हरे पौधे भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, वायु, जल के द्वारा। ठीक है, अगर पौधे हरे नहीं होंगे तो वो क्या नहीं बनाएंगे, भोजन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है हरे पौधे ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं।
ठीक है। आगे दिया हुआ है याद रखने योग्य बातें, तो इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ है जंतु और पौधे, जंतु और पेड़ पौधे दोनों ही सजीव होते हैं। तो बच्चों जो जंतु होते हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जो पौधे होते हैं बच्चों, वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में और वायु एवं जल के द्वारा। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, पेड़ पौधे एक स्थान पर स्थित रहकर ही अपने विभिन्न अंगों द्वारा गति प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं, लेकिन वो अपने स्थान पर ही रहकर क्या, गति प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे कि फूल का खिलना, ये सब क्या होता है, पौधों द्वारा गति को प्रदर्शित करता है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, सभी सजीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, यह क्रिया प्रजनन कहलाती है, ठीक है बच्चों। जैसे कि गाय के बछड़ा होना, छोटे से बीज से क्या हो जाना, एक पौधे का निकलना, ये सब क्या कहलाता है, प्रजनन। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, नए जंतु प्रा जन्म लेकर अथवा अंडों से उत्पन्न होते हैं, जबकि नए पौधे प्रा बीजों से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, जो नए जंतु होते हैं वो कैसे, जन्म लेकर या फिर अंडों से उत्पन्न होते हैं, और नए पौधे कहाँ से, बीजों से उत्पन्न होते हैं। आगे दिया हुआ है पौधों में ज्ञानेंद्रियां अनुपस्थित होती हैं। जो पौधे होते हैं बच्चों, उनमें आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि नहीं होती हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियां, और ये सब किस में होती हैं, जीव जंतुओं में पाई जाती हैं, ठीक है, मनुष्यों में भी पाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले का नंबर पर दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन, उस पर हम राइट का निशान लगाएंगे, ठीक है बच्चों। पहला दिया हुआ है शाकाहारी जंतु अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, पहले नंबर पर वायु से, दूसरे नंबर अन्य जंतुओं से, और तीसरे नंबर पर पौधों से। तो जो शाकाहारी जंतु होती हैं बच्चों, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधों से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरे नंबर का, ठीक है। तो पौधों के आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है दूसरे नंबर पर हम श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर लेते हैं, पहले नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड नंबर का हो जाएगा, ऑक्सीजन के आगे हम राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है थर्ड नंबर पर निम्न में से कौन अन्य जीवों का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पहले नंबर पर दिया हुआ है शाकाहारी जंतु, दूसरे नंबर पर दिया है मांसाहारी जंतु, और तीसरे नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो अन्य जीवों का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी जंतु। तो इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है फोर्थ नंबर पर पौधे श्वसन क्रिया किसके द्वारा करते हैं, पहले नंबर पर दिया हुआ है जड़ों द्वारा, दूसरे नंबर पर फेफड़ों द्वारा, तीसरे नंबर पर पर्णरंध्रों द्वारा। तो जो पौधे होते हैं बच्चों, वो अपनी श्वसन क्रिया कहाँ से करते हैं, पर्णरंध्रों द्वारा। तो इसका जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है पाँचवें नंबर पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, नंबर एक मनुष्यों में, नंबर दो पक्षियों में, नंबर तीन पौधों में। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो बच्चों किस में होती है, पौधों में। तो इसका जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है ख नंबर पर उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से हम छाँट कर खाली स्थानों में भरेंगे, ठीक है। तो पहला खाली स्थान दिया हुआ है जंतु तथा पौधों दोनों क्या होते हैं बच्चों, सजीव होते हैं। तो जो खाली स्थान है पहले नंबर का, उस पर हम क्या लिख देंगे, सजीव, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सजीव वस्तुओं के कुछ विशिष्ट क्या होते हैं बच्चों, लक्षण होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम दूसरे खाली स्थान में क्या भर देंगे, लक्षण। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर सजीवों में श्वसन प्रक्रिया कब तक चलती है बच्चों, जीवन पर्यंत तक।
तो इसके जो तीसरे नंबर में क्या लिख देंगे हम, जीवन पर्यंत। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चौथे नंबर का खाली स्थान दिया हुआ है, भोजन से हमें प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है बच्चों, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसके खाली स्थान में क्या लिख देंगे चौथे नंबर पर, ऊर्जा, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है पाँचवें नंबर पर, पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है बच्चों। तो जो पाँचवें नंबर का खाली स्थान है उसमें क्या आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। आगे दिया हुआ है ग नंबर पर, सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है बच्चों। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो बच्चों बिल्कुल सही दिया हुआ है, भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। तो इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है शेर शाकाहारी जंतु है, तो बच्चों शेर क्या शाकाहारी जंतु है, नहीं, शेर तो क्या होता है, मांसाहारी। तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, सभी सजीव वृद्धि करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है बच्चों, जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। पाँचवें नंबर पर दिया हुआ, चौथे नंबर पर दिया हुआ है सॉरी बच्चों, संवेदनशीलता के कारण ही हम दर्द का अनुभव करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके आगे भी हम क्या राइट का निशान लगाएंगे। पाँचवें नंबर पर दिया हुआ है सूरजमुखी का फूल सूर्य की ओर मुख नहीं करता, तो ये तो गलत दिया हुआ है बच्चों, सूरजमुखी का जो फूल होता है वो सूर्य की तरफ मुँह करता है, तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ हमें प्रश्न दिए हुए हैं जिनके हमें क्या उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है सजीवों की प्रजनन क्रिया को समझाइए, ठीक है बच्चों। तो इसका उत्तर होगा, सभी सजीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, यह क्रिया प्रजनन कहलाती है। जैसे स्त्री शिशु को तथा गाय बछड़े को जन्म देती है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। सभी सजीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, यह क्रिया प्रजनन कहलाती है। जैसे स्त्री शिशु को तथा गाय बछड़े को जन्म देती है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, जल तथा वायु की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश, जल तथा वायु की उपस्थिति में, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, समझ में आया। आगे दिया हुआ है पौधे किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो इसका उत्तर होगा, पौधे पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। जो पत्तियों पर लाइंस बनी होती हैं छोटी छोटी बारीक धागे जैसी, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म रंध्र, वह उनके द्वारा ही क्या करती हैं, सांस लेती हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न, पौधे गति क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा, पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं इसलिए पौधे गति नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जो पौधे होते हैं वो कैसे रहते हैं, एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है पाँचवें नंबर पर, संवेदनशीलता क्या है, जब हमें ठंड लगती है तब हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जब हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु को छू लेता है या हाथ में कुछ चुभ जाता है तो हम दर्द का अनुभव करते हैं, इसे ही संवेदनशीलता कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन था, संवेदनशीलता क्या है, तो इसका उत्तर एक बार और पढ़ते हैं हम, जब हमें ठंड लगती है तब हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जब हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु को छू लेता है या हाथ में कुछ चुभ जाता है तो हम दर्द का अनुभव करते हैं, इसे ही संवेदनशीलता कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आप सभी को अपनी कॉपियों में नोट करना है, ठीक है बच्चों, और वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, और फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो आप लोग हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है बच्चों।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।